हेलो फोक्स, आज जिस अपॉर्चुनिटी के बारे में हम लोग आपस में बात करने वाले हैं, ये अपॉर्चुनिटी हमारे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा में निकाली गई है, जिसको हम सभी लोग NABH के नाम से भी जरूर जानते होंगे। NABH अंडर में आता है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के, और इसे रन करती है हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे 16th August 2024 को ये डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट पब्लिश किया था रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट फॉर पेटेंट अटॉर्नी। इस पूरे डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट की हर एक डिटेल आप सभी कैंडिडेट्स के साथ शेयर करने से पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन वीडियो की स्टार्टिंग में आप सभी कैंडिडेट्स को देना चाहता हूं। जो भी कैंडिडेट अभी लॉ स्टूडेंट है, लॉ ग्रेजुएट हो चुका है, या फिर प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है ऑल ओवर इंडिया के किसी भी कोर्ट में, अगर आप लोग चाहते हैं हमारे इंडिया में हमारे लॉ ग्रेजुएट्स के लिए कोई भी वैकेंसी निकले, चाहे वो आपकी इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटी हो, जुडिशरी की अपॉर्चुनिटी हो, कोई कॉर्पोरेट वैकेंसी हो, या फिर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा निकाली गई कोई बैंक की वैकेंसी हो, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यानी PSU की वैकेंसी हो, या फिर हमारे प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स के लिए निकाली गई कोई इंपैनलमेंट की वैकेंसी हो, इट मींस ऑल ओवर इंडिया में हमारे लॉ ग्रेजुएट्स के लिए कोई भी वैकेंसी निकलेगी, उस वैकेंसी के रिगार्डिंग आप सभी कैंडिडेट्स को इस चैनल पे टाइमली अपडेट प्रोवाइड कराई जाएंगी, ताकि हमारे किसी भी लॉ ग्रेजुएट से इंडिया में आने वाली कोई भी लीगल अपॉर्चुनिटी की अपडेट मिस आउट ना हो। तो बात कर लेते हैं हम लोग आज के इस डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट के बारे में। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे 16 अगस्त 2024 को ये डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट पब्लिश किया है, और इस डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट के थ्रू हमें जो डेजिग्नेशन ऑफर करी जा रही है, वो हमें पेटेंट अटॉर्नी की डेजिग्नेशन ऑफर करी जा रही है। और इन्होंने एडवर्टाइजमेंट के स्टार्टिंग में ही क्लियरली मेंशन करा है कि ये जो आपकी जॉब है कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस की जॉब है, यानी कि अगर आपकी सर्विसेज आपके सुपीरियर्स को पसंद आएंगी तो आपके कॉन्ट्रैक्ट को टाइमली बेसिस पे आगे एक्सटेंड कर दिया जाएगा, या फिर उसे टाइमली रिन्यू कर दिया जाएगा, लेकिन ये डिपेंड करता है आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर। और मिनिमम जो आपका टेन्योर होगा एज अ पेटेंट अटॉर्नी के तौर पे, वो आपका 6 महीने का होगा। अगर आपकी परफॉर्मेंस आपके सुपीरियर्स को अच्छी लगेगी तो आपके कॉन्ट्रैक्ट को आगे एक्सटेंड कर दिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं हम लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर। इन्होंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के एडुकेशनल क्वालिफिकेशन में क्लियरली मेंशन करा है कि अगर कैंडिडेट एक लॉ ग्रेजुएट है फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, इररिस्पेक्टिव कैंडिडेट ने 3 ईयर का LLB कोर्स करा है, या फिर 5 ईयर का BA LLB का इंटीग्रेटेड कोर्स। अगर आप एक लॉ ग्रेजुएट है फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, तो आप इनके एडुकेशनल क्वालिफिकेशन के क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं। साथ ही साथ इन्होंने बोला है, अगर कैंडिडेट के पास एक्सपर्टीज है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ यानी IPR की डोमेन में और पेटेंट फाइलिंग की डोमेन में और ऐसी ही किसी फील्ड में, तो वो कैंडिडेट इस पोजीशन के लिए मेक श्योर करे कि जरूर अप्लाई करे, क्योंकि उस कैंडिडेट की सबसे ज्यादा चांसेस है कि वो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा में एज अ पेटेंट अटॉर्नी के तौर पे सिलेक्ट कर लिया जाए। तो ये इन्होंने हमें एडुकेशनल क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई है। अब बात कर लेते हैं हम लोग डिजायरेबल क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि अगर कोई कैंडिडेट है जिसके पास डिग्री है साइंस में, या फिर उसने इंजीनियरिंग कर रखी है, और साथ ही साथ अगर कोई कैंडिडेट है जिसने IP के मैटर्स हैंडल करे हुए हैं, तो वो इनके लिए एक डिजायर्ड कैंडिडेट है। साथ ही साथ इन्होंने बोला है कि अगर कोई कैंडिडेट है जिसने पेटेंट एजेंट के तौर पे इंडियन पेटेंट ऑफिस में काम करा है, तो वो इनके लिए हाईली डिजायरेबल कैंडिडेट है। और साथ ही साथ इन्होंने बोला है कि उस कैंडिडेट के पास एटलीस्ट 6 पेटेंट फैसिलेशन होने चाहिए उसके क्रेडिट के ऊपर। और साथ ही साथ इन्होंने ये भी बोला है कि अगर कोई कैंडिडेट है जिसके पास 3 साल का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है IPR में यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में, और उसने मेजरली काम पेटेंट ट्रेडमार्क कॉपीराइट्स और IPR के रिगार्डिंग करा है, तो वो कैंडिडेट भी इनके लिए एक डिजायर्ड कैंडिडेट है। साथ ही साथ इन्होंने बोला है कि अगर कैंडिडेट के पास आयुष सिस्टम की नॉलेज है और उसका जेन्युइन इंटरेस्ट है ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम को गेन करने का और प्रोटेक्शन और प्रमोशन करने का, IP मैनेजमेंट को इफेक्टिवली हैंडल करने का, तो वो भी इनके लिए एक डिजायर्ड कैंडिडेट है। तो ये इन्होंने आपको डिजायरेबल क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई है। अगर आप इनमें से किसी भी कैटेगरी में लाई करते हैं तो आप इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं।
अब बात कर लेते हैं हम लोग कि आप कैंडिडेट को एज अ पेटेंट अटॉर्नी के तौर पे कितनी रेमुनरेशन यानी सैलरी प्रोवाइड कराई जाएगी। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि आप कैंडिडेट को एज अ पेटेंट अटॉर्नी के तौर पे 75,000 रुपीस मंथली प्रोवाइड कराए जाएंगे, यानी कि आप कैंडिडेट को 75,000 रुपए महीना प्रोवाइड कराया जाएगा NIA के द्वारा। अब बात कर लेते हैं हम लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में एज क्राइटेरिया के ऊपर। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि अगर कैंडिडेट की एज बिलो 50 इयर्स है तो वो इस पूरे प्रोसेस का पार्ट बन सकता है। साथ ही साथ इन्होंने बोला है कि ये लोग कैंडिडेट को एज रिलैक्सेशन भी प्रोवाइड कराएंगे जो कि रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करता होगा, जैसे कि SC, ST, OBC, PWD और EWS, और ये रिजर्वेशन आपको एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स के अकॉर्डिंग प्रोवाइड कराया जाएगा। जैसे कि SC और ST कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स को 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा, उनका एज बिलो 55 ईयर होना चाहिए, और हमारे OBC कैटेगरी वालों को 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा, यानी उनको बिलो 53 ईयर्स होना चाहिए, और हमारे PWD कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स को 10 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा, यानी उनकी एज बिलो 60 इयर्स होनी चाहिए, तभी वो इस पूरे प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। अब बात कर लेते हैं हम लोग सिलेक्शन प्रोसेस के ऊपर। इन्होंने अपने एडवर्टाइजमेंट में क्लियरली मेंशन करा है कि आप कैंडिडेट्स के लिए कोई भी एग्जाम कंडक्ट नहीं कराएगा NIA, डायरेक्टली आप कैंडिडेट्स को आपके एप्लीकेशन फॉर्म के बेसिस पे शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, और जिस भी कैंडिडेट को NIA शॉर्टलिस्ट करेगा उस कैंडिडेट को डायरेक्टली उसके एप्लीकेशन फॉर्म के बेसिस पे इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, और अगर कैंडिडेट इंटरव्यू में भी अच्छा परफॉर्म करेगा तो उस कैंडिडेट को एज अ पेटेंट ऑफिसर के तौर पे सिलेक्ट कर लिया जाएगा। तो ये हमें नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा यानी कि NIA ने अपने सिलेक्शन प्रोसेस को बताया है, और आप सभी कैंडिडेट्स को मेक श्योर करना है कि आप अपने फॉर्म में अपनी ईमेल आईडी, अपने फोन नंबर को और अपने एड्रेस को बहुत केयरफुली फिलअप करेंगे। रीजन बिंग, आपको नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा आगे का कम्युनिकेशन इन्हीं तीनों में से किसी भी मेथड के जरिए आपको कॉन्टेक्ट करेगा अगर आपकी एप्लीकेशन शॉर्टलिस्ट करी जाती है NIA के द्वारा। तो इसलिए अपनी इन तीनों चीजों को बहुत केयरफुली फॉर्म में फिलअप करिएगा। आप सभी कैंडिडेट्स को एक बार मैं एप्लीकेशन फॉर्म भी दिखा देता हूँ जिसको आपको अपने से फिलअप करके इनके रिस्पेक्टिव ऑफिस में भेजना है। ये जो अभी आपके स्क्रीन पे आ रहा है ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म है जिसे आपको फिलअप करके इनके रिस्पेक्टिव ऑफिस में भेजना है। बहुत इजी इंफॉर्मेशन आपसे पूछी गई है जो कि आप इजीली अपने बारे में फिलअप कर सकते हैं इस एप्लीकेशन फॉर्म में। और साथ ही साथ इन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म में एक चीज और मेंशन करी है कि आप कैंडिडेट IPRCELLNIA@gmail.com पे अपनी एडवांस स्कैंड कॉपी फॉर्म की और उसके साथ सारे रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स को मेल भी कर सकते हैं। तो आप कैंडिडेट्स के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको ये ऑफलाइन फॉर्म भेजना है या फिर ऑनलाइन। तो आप अगर इस फॉर्म को ऑफलाइन भेजेंगे तो इस फॉर्म के साथ अपने सारे रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स को अटैच करेंगे, जैसे अपने 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, ग्रेजुएशन की मार्कशीट, उसके बाद अगर आपने LLB करी है ग्रेजुएशन के बाद तो LLB की मार्कशीट, और अगर आपने अपनी फर्दर स्टडीज और आगे कैरी करी है तो उसकी सारों की मार्कशीट और उनका प्रोविजनल या फिर डिग्री की कॉपी लगाएंगे, और आपके पास जो एक्सपीरियंस होगा उस एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की फोटोकॉपी लगाएंगे, और साथ ही साथ अगर कोई और इंफॉर्मेशन है जैसे कि आप एज रिलैक्सेशन ले रहे हैं तो आप कैटेगरी सर्टिफिकेट की फोटोकॉपी लगाएंगे। ये सारे रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स को फॉर्म के साथ अटैच करके ही आप इनके रिस्पेक्टिव ऑफिस में भेजेंगे, और अगर आप इन्हें मेल कर रहे हैं तो आप इनको ये सारे फॉर्म और अपने रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स की एक PDF फाइल बना के इनके इस ईमेल आईडी पे मेल करेंगे। तो ऐसे आप इस पूरे प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। अब बात कर लेते हैं हम लोग कि हमें इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का कैसे पार्ट बनना है। आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, आपको जो पहला लिंक अवेलेबल है आप उस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही आपके स्क्रीन पे ये पूरा डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट खुल के आ जाएगा। आपको इस डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड करना है, और डाउनलोड करने के बाद page number 3 को और page number 4 को आपको प्रिंट आउट कराना है, और प्रिंट आउट कराने के बाद दोनों पेजेस में पूछी गई इंफॉर्मेशन आपको अपनी फिलअप करनी है। फिलअप करने के बाद सारे रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स को अटैच करना है, अटैच करने के बाद सेल्फ अटेस्ट करना है, और सेल्फ अटेस्ट करने के बाद आपको उस पूरे फॉर्म की और अपने रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स की एक सॉफ्ट कॉपी बनानी है, और सॉफ्ट कॉपी आपको इनको मेल करनी है। मेल का ईमेल एड्रेस अभी मैंने वीडियो में बताया था, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ईमेल आईडी प्रोवाइड करा दूंगा ताकि आप डायरेक्टली कॉपी पेस्ट करके नए मेल को कंपोज करके इनको मेल कर पाए। मेक श्योर करें आप अगर मेल कर रहे हैं तो मेल के आप सब्जेक्ट में क्लियरली मेंशन करेंगे एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ पेटेंट अटॉर्नी, और अगर आप ऑफलाइन मोड चूज कर रहे हैं
तो आप अपने रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स और फॉर्म को एक एनवलप में डालेंगे और एनवलप को पोस्ट करेंगे टू द चेयरमैन आईपीआर एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर सेल नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा कॉमा डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी ब्रैकेट क्लोज माधव विलास पैलेस कॉमा चोरावर सिंह गेट कॉमा अमेर रोड कॉमा जयपुर पिन कोड इज 302002 ब्रैकेट में राजस्थान ब्रैकेट क्लोज। इस एड्रेस पे आपको अपने एनवलप को पोस्ट करना है। ये एड्रेस भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, डायरेक्टली कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। आपको मेक श्योर करना है कि आपकी ये एप्लीकेशन बिफोर 10th ऑफ सितंबर 2024 इनके रिस्पेक्टिव ऑफिस में पहुंच जाए, तभी आप इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। आप चाहे तो मेल करें या फिर इन्हें स्पीड पोस्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ आप कैंडिडेट्स को ये भी बताना चाहूंगा कि आप कैंडिडेट्स के लिए जो जॉब लोकेशन है वो आपकी जयपुर की ही रहने वाली है। तो यही सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी जो हमें इस एडवर्टाइजमेंट में बताई गई है। आपकी कोई क्वेरी हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम या ट्विटर पर टेक्स्ट मैसेज करके पूछ सकते हैं या फिर यूट्यूब पे ही अपने कॉमेंट को ड्रॉप करके पूछ सकते हैं। मैं अपने एंड से मेक श्योर करता हूं कि हर एक कैंडिडेट को टाइमली बेसिस पे रिप्लाई कर दूं ताकि वो अपने फॉर्म को जल्दी से जल्दी फिलअप कर पाए और अपने आगे की प्रिपरेशन उतनी ही जल्दी शुरू कर पाए। बाकी आप सभी कैंडिडेट्स को एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और देना चाहता हूं। लास्ट 15 टू 20 डेज में हमारे लीगल फर्टिनिटी के लिए बहुत सारी वैकेंसीज बाहर निकल के आई है। बहुत कम टाइम ऐसा देखने को मिलता है जब हमारी लीगल फर्टिनिटी के लिए एक साथ इतनी सारी वैकेंसीज बाहर निकल के आए। तो मैं चाहूंगा आप सभी कैंडिडेट एक बार लास्ट 15 टू 20 डेज के हर एक वीडियो को एक बार जरूर देखें और जिस भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के साथ आप कैंडिडेट का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैच करें, मेक श्योर करें कि आप उस फॉर्म को जरूर फिलअप करें। बाकी कोई क्वेरी हो तो मैं बता चुका हूं कि आपको मुझे कैसे रीच आउट करना है। बाकी वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर करिएगा और अगर आप लोग चाहते हैं कि ऐसे ही हर एक दिन आप कैंडिडेट्स को एक लीगल अपॉर्चुनिटी की अपडेट मिलती रहे तो मेक श्योर करिएगा कि आप इस चैनल को बिना सब्सक्राइब करें ना जाएं। थैंक यू सो मच।